शास्त्री जी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा शास्त्री तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा शास्त्री तेरा नाम रहेगा। इंडियन नेशनल हमारे देश के सेकंड प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को आज उनकी जयंती पर हमने याद किया है। आज हमारे सभी कांग्रेस के वर्कर सीनियर लीडर शिवाय गुप्ता जी की लीडरशिप में आज उनको याद किया गया है और पुष्प अर्पित किए गए हैं। उन्हीं की सादगी को लेकर आज उनको याद किया जाता है। उन्होंने जो काम इस देश के लिए किए थे, जो नारा उन्होंने दिया था जय जवान जय किसान का, जिसको आज भी लेकर देश पूरा देश उसको लेकर चल रहा है। आज पर हमारे कुछ किसान भाई जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनका जो नारा था जय जवान जय किसान का, तो मेरी सरकार से भी ये अपील है कि उसको उनकी बातों को सुना जाए और उनके जो मसले हैं उनको हल किया जाए। जय हिंद जय भारत। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जो हम आज दिन मना रहे हैं, आज के दिन बड़े दुख के साथ इस देश पे एक घड़ी आई जिससे हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो हमें छोड़ के चले गए। एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री सुभाष गुप्ता जी की अध्यक्षता में आज का जो प्रोग्राम जो रखा गया था, तमाम मेरे साथी कांग्रेसी, इसमें हमारे यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रोमी शर्मा जी, कांस्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट यूथ के गगनदीप जी, रमेश कुंडल जी, वाली जी और मेरे सभी साथी कांग्रेसी, उनकी आज इस श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित हुए। और देश जो आज की स्थिति है, हमें दोबारा ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे स्वर्गीय शास्त्री जी जैसे विचारों वाले हमें चाहिए थे, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, मगर हमारे जो अभी बैठे हुए हैं स्वयं शंभू प्रधानमंत्री, वो उन्होंने एक ही नारा दिया है, मर जवान मर किसान। किसानों का हाल आपने देख लिया, जवानों का भी हाल देख लिए। मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि कृपा करिए आ किसानों की बात को सुनिए। अगर किसान नहीं रहेगा तो ये देश नहीं रहेगा, अगर देश नहीं रहेगा तो आपकी कुर्सी भी नहीं रहेगी। जय हिंद जय भारत। देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि को हमने मनाया। कांग्रेस जुनट हीरानगर ने उनको शत शत नमन किया और ये उनके जो दर्शाए गए मार्ग पर चलने की कोशिश भी हम करेंगे। साथियों, इनका जो नारा था जय जवान जय किसान, उस पर आज भी देश जो है वो चल रहा है और इस नारे से हमारे देश को एक बल मिलता है। मगर प्रधान आज हम भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको हम याद कर रहे हैं। आज उनकी जयंती थी, उस पर हमको सभी हम कांग्रेस के साथी मिलकर उनको श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया। उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया उसका हमने आज उनको उसके लिए याद किया। उन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान, वो किसान की भी इज्जत करते थे, जवान की भी इज्जत करते थे। उनके टाइम पे यहाँ एक वाइट रेवोल्यूशन आया, उन्होंने मैक्सिमम कोशिश की जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दूध बने, मिल्क प्रोडक्शन में उन्होंने काफ़ी उनका योगदान आया। और इसी ढंग से उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जिसका कि पंजाब और हरियाणा और सभी स्टेटों में उसका असर उनके रेवोल्यूशन की वजह से जहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ी, उनकी एक अच्छी सोच थी। और उनके टाइम पर जो 1965 में जो युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान को मुँह दिखानी पड़ी, पाकिस्तान की बुरी तरह से शिकस्त हुई। वो एक बहादुर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो बोल्डली फैसला लेते थे। उन्होंने देश के लिए जब यहाँ पर हमारे देश में हम युद्ध चल रहा था, उन्हें अपनी सैलरी तक जो लेना बंद कर दी थी, उन्होंने तनख्वाह डिनोट कर दी थी। तो इसी ढंग से ऐसे लोग आज हम उन लोगों को याद कर रहे हैं, महान नेता को, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर होते हुए सादगी से हमारे देश के अवाम की, देश के लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम किया। आज हम उनको याद करते हैं और कोशिश करेंगे सब मिल के हम शास्त्री जी के बताए हुए रास्ते पर चल के अपने देश की मजबूती के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए।